जय जिनेंद्र, मैं चैतन्य आरती जैनल मेहता आज श्रुत पंचमी महापर्व के दिवस पर मैं अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या कोई मंत्रों के बारे में जानता है? जब मंत्र की बात करें तभी सबके मन में यही आता है, जैसे ओम राम रीम। परंतु हम मंत्र नहीं, महामंत्र जानते हैं। महामंत्र, नमोकार महामंत्र। आज मेरा विषय है नमोकार महामंत्र। नमोकार महामंत्र जैन समाज का सर्वाधिक श्रद्धेय एवं सर्वमान्य महामंत्र है। जैनियों के सभी संप्रदाय में इसका स्मरण किया जाता है। 108 बार या कम से कम 9 बार इसे स्मरण किया जाता है। जैनियों में सर्वप्रथम स्थान नमोकार महामंत्र को ही दिया है और इसका दूसरा नाम अनादि निधन मंत्र है, क्योंकि इसमें जिन्हें नमस्कार किया गया है वह हमारे पंच परमेष्ठी जो अनादि से होते रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। इस नमोकार महामंत्र को जिन्होंने लिखा वह आचार्य धर्मसेन के शिष्य आचार्य नरवायन एवं आचार्य सुबुद्धि, जो आचार्य पुष्पदंत एवं आचार्य भूतबलि के नाम से प्रसिद्ध हुए। परंतु भावदृष्टि से देखा जाए तो वह अनादि अनंत है। नमोकार महामंत्र का सीधा साधा अर्थ इस प्रकार है, लोक के सर्व अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो, लोक के सर्व सिद्धों को मेरा नमस्कार हो, लोक के सर्व आचार्यों को मेरा नमस्कार हो, लोक के सर्व उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो और लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। परंतु एक बात ख्याल आती है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, अपितु इसमें उन सभी महान आत्माओं को नमस्कार किया गया है जो निज भगवान आत्मा की आराधना कर परमेष्ठी पद प्राप्त किए हैं, कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे। इस बात से एक और बात ख्याल आती है, जब गुरुदेव श्री अपने प्रवचन के पूर्व जब मंगलाचरण में बोलते हैं नमो त्रिकालवर्ती सर्व अरियंताणम, नमो त्रिकालवर्ती सर्व सिद्धाणम, नमो त्रिकालवर्ती सर्व आचार्याणम, नमो त्रिकालवर्ती सर्व वज्जायाणम, नमो त्रिकालवर्ती सर्व साहुणम, जब वो यह बोलते हैं तभी सब कुछ को लगता है कि क्या ये भी एक मंत्र है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि नहीं, यह मंत्र नहीं है, यह गुरुदेव श्री अपनी भावना बात व्यक्त कर रहे हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से भी हो सकता है कि वह तीनों काल के अरियन जी, सेठ जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी को नमस्कार कर रहे हैं। जो पंच परमेष्ठी के बताए गए मार्ग पर चलता है वो भविष्य में सुख, अत्यंत सुख प्राप्त करता है और मोक्ष में जा सकता है। जो स्वयं स्वभाव से भगवान हूँ और मैं पर्याय से भी भगवान बन सकता हूँ, इसी भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।